जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो मैंने अभी पीछे एक जो हमारी खोज है, जो हमने वीडियो डाली थी एक साधना के विषय में, जो कि निरूपा गंधर्व कन्या, तो आज हम आपको उसका एक दिवसीय होली का प्रयोग देने जा रहे हैं। और जो भी साधक इस साधना को करना चाहता है, ये होली स्पेशल है, तो होली पे ही, यानी कि होली वाली रात को, यानी होली जिस रात को दहन होता है होली का, उस रात को इस साधना को आप कर सकते हैं। और बाकी हर पूर्णिमा को, यानी कि होली से हट के कोई भी साधक इसे हर पूर्णिमा को कर सकता है। और एक दिवसीय साधना, एक दिवसीय साधना में ही जो निरूपा गंधर्व कन्या है वो प्रत्यक्ष हो जाती हैं साधक के और वचनबद्ध होती हैं और भूत भविष्य की जानकारी देती हैं। हर विषय में ये मदद करती हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो धन से जुड़ा हो, मामला हो, यानी कि ये धन का आगमन करती हैं और साधक को तरह तरह का ज्ञान देती हैं। किसी के भूत भविष्य की जानकारी भी आप निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक तरीके से हमारे भौतिक जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, हर समस्या का समाधान निरूपा गंधर्व कन्या के पास है, क्योंकि ये इतनी अव्वल दर्जे की जो गंधर्व कन्या है, इतनी अच्छी साधना है कि जिसका मैं आपको शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकता, जो कि हमने भी की। हमने अंकुशनाथ जी हैं, उन्हें भी कराई, और एक मनोज हैं दिल्ली से, उन्हें भी कराई, और भी ये दो लोगों को दिए, यानी कराई है। तो इनके फायदे हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। एक सौम्य रूप वाली पतले से छरेरे शरीर की हैं और बहुत सौम्य रूप से आती हैं साधक के पास और वचनबद्ध होती हैं। और ना ही इनका कोई गृहस्थ जीवन से कोई मतलब है कि गृहस्थ व्यक्ति करेगा तो परेशानी होगी, ये होगा वो, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे गृहस्थ करे या अनमैरिड करे या मैरिड करे, कोई दिक्कत नहीं। साधक भी कर सकता है और शादी का भी कर सकती हैं। ये एक दिवस से प्रयोग देने जा रहा हूँ और ये प्रयोग मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत के साथ ही सफल होगी। इनकी साधना करने से आप भूत भविष्य जान सकते हैं, किसी के ऊपर की जो निगेटिव एनर्जी है उसे भी हटा सकते हैं, यानी कि भूत प्रेत मसान कोई भी A to Z, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत पावरफुल उच्च कोटि की शक्ति है, क्योंकि ये गंधर्व कन्या है और इनकी जो कार्य क्षमता बहुत गजब की है। कार्य क्षमता तो ऐसे समझ लीजिए कि 24 आवर अगर आप चाहें तो इनसे कार्य ले सकते हैं, बस लेने वाला होना चाहिए। तो इतनी बेहतरीन गजब की साधना है ये कि जितना मैं इस साधना की तारीफ करूं इतनी कम ही कम है। और जो जिन लोगों को मतलब कारोबार कर रहे हैं, यानी बिजनेस करते हैं, किसी भी लाइन से जुड़ा हो, चाहे वो लोहे से जुड़ा हो या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हो या कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग मामला, या जो ठेकेदारी वगैरह करते हैं लोग, उनका पैसा फंस जाता है, तो उसमें बहुत मदद करती हैं ये। चाहे वो होटल लाइन हो या ट्रेवल्स लाइन हो, कोई भी, या फिर कोई सी भी लाइन, A to Z हर चीज़ में ये पूर्ण रूप से मदद करती हैं। साधक को गलत समय के, यानी उसके जीवन में कुछ घटित होने वाला होता है तो उसके विषय में भी जानकारी देती हैं। एक बार सिद्ध होने के बाद में हमेशा इन्हें, एक बात और बताता हूँ, इन्हें सिद्ध करने के बाद में कोई भी कार्य कराइए, इन्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इन्हें, इनका जो व्यक्ति है साधक, जाप करता रहे, चाहे प्रतिदिन एक माला करे या 11 माला, वो साधक के ऊपर है। एक बार सिद्धि होने के बाद में इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही साधक के जीवन में कभी कुछ बुरा करती है। और भी इनके बारे में हमने शोध किया, जानकारी की, तो ऐसे ऐसे तत्व उखड़ के आए, ऐसे ऐसे गुण मतलब निकल के आए इनके, कि आगामी वीडियो में मैं आपसे बताऊँगा कि ये गंधर्व कन्या क्या क्या इनकी जो पात्रता है, मतलब इनकी जो कैपेसिटी है काम करने की, क्षमता क्या है, वो सब बताऊंगा, क्या क्या कार्य कर सकती हैं ये।
ये जो जमीनी धन होता है उसके विषय में भी जानकारी देती हैं। अगर कोई व्यक्ति जानकारी करना चाहे तो बता देती हैं कहाँ जमीनी धन है, लेकिन हम तो इन मामलों से दूर है, हम नहीं पढ़ते इन चक्करों में फिलहाल, लेकिन जो जानकारी ये देती हैं वो आपको बता रहा हूँ। और इनके मदद से आप जमीनी धन खोज भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये कानून गैर कानूनी है, तो हम इस चीज़ पे हाथ नहीं रखते हैं कि जो भी काम करते हैं हम लिमिट से, अपनी एक लिमिट है उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्योंकि हम तो गृहस्थ व्यक्ति है, ज़्यादा 3-5 के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो ये जो निरूपा गंधर्व कन्या है, बहुत उच्च कोटि की साधना है, ये उच्च कोटि की शक्ति है, कोई भी साधक इसे होली की रात्रि को सिद्ध कर सकता है, या फिर आप इसे किसी भी पूर्णिमा को यानी पूरणमासी को कर सकते हैं इसे। तो अब मैं विधान बता देता हूं, विधान सुन लीजिए। रात्रि को आपको करना क्या, होली वाली रात को जब होली पे, जब होली जो होती है ना, जो होली होती है, जब रखी जाती है होली, जहां लकड़ी कंडे होते हैं, वहां से होली वाली रात को एक कंडा ले आइए उपला, और जिसे उपले ना हो तो होली की लकड़ी ले आए, जो भी वहां से लकड़ी हो बिना जली, उस पे आपको आहुति करनी है। आहुति जो करनी है उस पे करनी है। ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, साधना कक्ष में। करना क्या है, एक लकड़ी की चौकी ले, उस पे लाल वस्त्र बिछा ले, दीपक प्रज्वलित करें, घी का और शराब का, भोग में शराब रखें, एक मिठाई रखें सफेद मिठाई, एक पान, इतर की सीसी, हो सके तो कुछ फल, जो भी आपको मिल सके, ठीक है, ये रखना है। इसमें दिशा आपकी उत्तर रहेगी, आसन कुशाका, माला रुद्राक्ष की और वस्त्र सफेद। साधना करने से पहले मंत्र को पहले कंठस्थ कर लें, कंठस्थ करने के बाद ही साधना करें, क्योंकि साधना इतनी उच्च कोटि की है ये, अगर एक व्यक्ति एक बार इसे सिद्ध कर ले तो जरूरत नहीं कुछ और करने की। निगेटिव एनर्जी ये हटाते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ बताती हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी देती है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है पीड़ित व्यक्ति, उसके बारे में पूरी जानकारी क्या है, इस पे किसने कराया है, कब कराया, कैसे, सब सारी जानकारी देती हैं, ठीक है, और बहुत कुछ, मतलब एक ही हर क्षेत्र में मदद करती हैं, धन से जुड़े मामले में आर्थिक स्थिति सही होती है, इनके साधना करने से सौभाग्यवर्धक व्यक्ति का जो भाग्य वो उदय होने लगता है। धन के मार्ग बताती हैं, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, धन लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ से धन हमें लाभ होगा, कहाँ से हानि होगी, सब कुछ बताती हैं। तो ये इसका विधान है। और आपको करना क्या है, इनका अगर हो सके तो 108 माला एक ही बैठक में जाप कर लीजिए, और नहीं 108 भी नहीं हो सके, अगर आपने 51 माला भी जाप कर लिया तो 51 माला में ही ये प्रत्यक्ष हो जाएंगी, और प्रत्यक्ष भी नहीं हुई तो आपकी सिद्धि हो जाएगी और कार्य करने लगेंगे। बस शक्ति को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, पात्रता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, शक्ति को समझने की क्षमता, शक्ति आ गई तो उसे बंद आंखों से देखना चाहिए, बंद आंखों से दिख जानी चाहिए, या फिर मानस पटल पे। ये साधना होने के बाद आपके अंतर्मन में जवाब आने शुरू हो जाएंगे, जो भी प्रश्न करेंगे उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि आपको कान में भी आवाज आ जाए, या हो सकता है खुली आंखों से भी इनके दर्शन हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी साधना है। तो जो अब आपको हवन किस चीज़ से करना है, हवन वही आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो में बताया, सेम उसी प्रकार हवन करना है। तो पहले मैंने मंत्र नहीं दिया था, लेकिन मंत्र दे रहा हूँ, इस एक दिवसीय का मंत्र अलग है, और जो 21 दिन की साधना का विधान है उसका मंत्र अलग है, वो भी दूंगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ। एक दिवसीय गंधर्व कन्या, निरूपा गंधर्व कन्या का एक दिवसीय का मंत्र दे दे रहा हूँ आपको, अभी इस पर खोज जारी है, और भी देखिए क्या क्या साधनाएं लेके आते हैं हम आपके लिए, काफी पक्षी बोल रहे हैं।
बस गांव का वातावरण ये है कि यहाँ शांत माहौल होता है और पक्षियों की चहचहाट मिलती है। अब मैं आपको भाई आपको हवन जो करना है वो 51 माला पर, जिनसे 51 हो सके 51 माला जाप करके कर सकता है, और जिससे 108 कर ले तो और भी ज़्यादा बेहतर है। 108 में क्या है, 108 माला जाप करने के बाद पहले ही आपको मतलब कि 10-11 माला से ही अनुभव शुरू हो जाएंगे। साधना कक्ष में खुशबू इतनी बढ़ जाएगी आपके कि आपको खुद आभास होने लगेगा कि कम साधना कक्ष में खुशबू बढ़ रही है। जब खुशबू बढ़ जाएगी तो आपको एक एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी खुशबू बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो एक बहुत ही सौम्य रूप वाली है और 17-18 या 19 साल की एज की युक्ति के रूप में आती है, तो ये गंधर्व निरूपा कन्या। और एक बार बताऊँ, जो उपला लेके आएंगे या जिनके जहाँ उपला नहीं होता सिटियों में, वहाँ लकड़ी तो होती हैं, तो वो लकड़ी ले आए, उसी लकड़ी पे हवन करना है, ना कि कोई लकड़ी पे, जो भी लकड़ी मिले उसकी उस पर ला के हवन करना है। हवन आपको 11 माला से आहुति करनी है, 11 माला से, और उपला मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो उपला लाएँ उस पर ही हवन करें। कपूर ले लें और काफ़ी मात्रा में 100 ग्राम कपूर ले आएँ और कपूर से उपले पे हवन करें, और वो ले लें हवन सामग्री जौ, गुगल, इलायची, लौंगे, बतासे, चमेली का तेल, काले तिल, इतर, गुलाब के फूल, शराब, घी, शक्कर, ये चीज़ें ही हैं बस। तो साधना करें एक दिवस से और फिर देखें इसका चमत्कार कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जो हमने अपनी लाइफ में परिवर्तन देखा और जो हो रहा है, बहुत ही प्रभावित करने वाला है, क्योंकि हमारा खुद का प्रैक्टिकल है और जिन लोगों ने ये की है उन लोगों के भी मैं अनुभव आप लोगों के बीच लेके आऊँगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो अब मैं मंत्र दे देता हूँ आपको, मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम निरूपा गंधर्व वशे कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार सुने, ओम ह्रीम क्रीम निरूपा गंधर्व वशे कुरु कुरु स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, पहले मंत्र को कंठस्थ कर लें और कंठस्थ करने के बाद में साधना करें। यह आपके लिए गोल्डन चांस है। तो सब लोग तैयार हो जाइए और करिए। बहुत समय पहले हमारी जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है निरूपा गंधर्व कन्या, वो पहले उसे देखे फिर उसके बाद में इसे देखे। तो इसमें आपका क्या है कि अगर इसी मंत्र को भी आप 21 दिन कर लेंगे या 11 दिन कर लेंगे तब भी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। लेकिन जो शॉर्टकट चाहते हैं, यानी कि एक दिन में ये होली पे हो जाएगी, पूर्णिमा 100% होगी। ठीक है, तो जो करना चाहता है वो हमारी संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकता है। और इसमें थोड़ा सा गुप्त विधान है जो मैंने नहीं बताया है, मंत्र भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। और जो लोग होली पे सिद्ध करना चाहते हैं तो वो संस्था के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विधान ले सकते हैं। ठीक है, विधान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गंधर्व कन्या निरूपा जो गंधर्व कन्या है वो हमारे चैनल पे ही है, कहीं और नहीं मिलेंगी आपको। और इनका जो क्षमता गजब की है, कार्य क्षमता और शक्ति भी बहुत उच्च कोटि की है। तो आप कॉल कीजिए हमारे नंबर पर, नंबर हमारा वही है 9639857509। और जो लोग कुशासन, रुद्राक्ष माला, संस्कारित माला, कोई भी किसी प्रकार की रुद्राक्ष, स्फटिक या हकीकी या किसी भी प्रकार की मंगाना चाहता है तो हमारे संस्था के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और मंगा सकता है। तो होम डिलीवरी है, यानी कि कोरियर द्वारा उनके घर पहुँचा दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।